का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इवन नंबर में, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन एल्केन। समझ आ रहे हैं क्या बोला? जो एल्केन बनेगा उसमें कितना होगा? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन एल्केन फॉर्म। जो भी एल्केन फॉर्म होगा उस एल्केन के पास में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने कॉपी किया क्या? कॉपी किया कि नहीं किया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। समझ आ रहा है सबको? यस सर आ रहा है। देखिए बेटा, अभी हम लोग जो रिएक्शन पढ़े वो कौन से वाले मैकेनिज्म के बेस से पढ़े बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहले क्या बनाए? एक रेडिकल बनाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेडिकल रेडिकल बना तो उसको हम लोग क्या कर दिए? डायमराइज करा दिए, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है बेटा, वो रिएक्शन जो हम लोग करा रहे हैं, वो रिएक्शन आप लोगों ने कॉपी तो कर लिया ना यहाँ तक? कर लिया? यस सर कर लिया। यस सर। बट ये रिएक्शन जो है दिस ऑल्सो फॉलोज कार्ब अनायन मैकेनिज्म। बेटा किसको फॉलो करता है? कार्ब अनायन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो कार्बोनाइन मैकेनिज्म को भी ये फॉलो कर सकता है। कार्बोनाइन मैकेनिज्म को कैसे फॉलो करेगा? मान लो हम लोगों के पास Na था, दो मोल ऑफ Na लिए, पहले क्या कर देगा तो Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। समझ आ रहे हैं क्या बोला? ये दो इलेक्ट्रॉन्स अगर किसको अटैक कर ले, आर एक्स पे दो इलेक्ट्रॉन्स अगर अटैक करे तो इस पर अटैक हुआ। इस पर अटैक करने से ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा बेटा? ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर। क्या बनेगा यहाँ पे? एक तो बनेगा आर माइनस प्लस दूसरा क्या बनेगा? एक्स माइनस। और जो एक्स माइनस बना बेटा, एक्स माइनस किससे रिएक्शन कर लेगा? एन ए प्लस से। एन ए प्लस रिएक्शन करके क्या बना लेगा बेटा? एन ए एक्स। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स माइनस क्या करेगा? एन ए प्लस रिएक्शन करके एन ए एक्स बना लेगा। और यहाँ आर माइनस जो बना हुआ है वो सेकंड स्टेप में क्या करता है? इट अटैक्स ऑन आर एक्स और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, तो क्या बनेगा? आर सिंगल बॉन्ड आर। समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस क्या निकल गया? एक्स माइनस। ये जो दूसरा वाला स्टेप है वो कौन सा वाला है बेटा? इट फॉलोज एस एन टू मैकेनिज्म, यस और नो? आता सोच के। यस सर। एस एन टू हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हुआ। सर वॉइस नहीं आ रही है तुम लोगों को, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे। एस एन टू सर हमारे। यस सर हुआ। सर हुआ सर। सर हमारी वॉइस एस एन टू रिएक्शन हुआ तो बेटा बना तो हम लोगों के पास आर सिंगल बॉन्ड आर ही। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसका फॉर्मेशन करूं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन CH3X। क्योंकि सबसे कम स्टेबल रेडिकल कौन सा वाला होता है? CH3 रेडिकल होते हैं। अगर मैं कार्बन अनायन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बात करूं, अगर मैं कार्ब अनायन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बात करूं बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? CH3 माइनस, उसके बाद में मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका रहेगा बेटा? सबसे कम रिएक्टिविटी रहेगा 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगा बेटा किसका? CH3X का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और तुम लोगों को पता है क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो SN2 3 डिग्री में तो होता ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो इनमें इनमें रिएक्शन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? इनमें रिएक्शन कार्बन आयन वाला हो सकता है और यहाँ रिएक्शन कौन सा वाला हो जाएगा? रेडिकल में, मतलब 3 डिग्री अगर रिएक्शन करेगा तो वो कौन सा वाले रिएक्शन से करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करके ही करता है। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? कॉपी करो यहाँ पे। ऊपर से कुछ लिखना है क्या बेटा? आना तो बोलो तुम तो। यस सर हो गए। बोलते नहीं हो, तुम्हारी आप तो आवाज आ रही है सर, हिलाते रहते हो सर। सर वॉइस आ रही है। ये आयुष कहाँ जा रहा है सर? ले जा रहे हैं ये लोग, पता नहीं सर, मना कर रहा हूँ मैं। कैसे पढ़ोगे बेटा? पता नहीं सर, मना अभी कर लिए सर? कर लिए कि नहीं? कर लिए सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। कर लिए? नेक्स्ट लिखो बेटा। वो रिएक्शन यहाँ तक समझ में आया? देखो वो रिएक्शन दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एज वेल एज कार्बोनाइन मैकेनिज्म, दोनों को फॉलो करता है। 3 डिग्री वाले में कार्बोनाइन मैकेनिज्म नहीं हो सकता,
बाकी जगह क्या हो सकते बेटा, कोरोनरी मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे रेडिकल को फॉलो कर लेगा, समझ सकते हो 3 डिग्री 2 डिग्री में रेडिकल, और यहाँ पे कार्बोनाइन मैकेनिज्म को फॉलो करके काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिएक्शन सब जगह होता है, रिएक्शन कैसा होता है सब जगह, ऐसा नहीं ऐसा नहीं एसन टू की तरह पे कुछ जगह हो रहा था कुछ जगह नहीं हो रहा था, है ना। दोनों मैकेनिज्म को फॉलो कर लेते हैं, कुछ जगह पे कार्बोनाइन को कुछ जगह पे फ्री रेडिकल, जहाँ फ्री रेडिकल को फॉलो करेगा वहां उसके थ्रू कर लेगा, जहाँ पे कम स्टेबल बनता है वहां कार्बोनाइन के थ्रू कर लेते हैं। ओके सर, ठीक है सर। दूसरा लिखो इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो बेटा इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। बेटा इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हम लोग 3 से लेकर 6 मेंबर तक का रिंग बनाते हैं, 3 to 6 मेंबर साइक्लिक रिंग इज फॉर्म, साइक्लिक रिंग कैन बी फॉर्म बाय दिस प्रोसेस, कैन बी फॉर्म बाय दिस प्रोसेस, ठीक है ना। बट इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से लेकर 6 मेंबर तक का साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं, 3 to 6 मेंबर रिंग कैन बी फॉर्म बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। 3 से लेकर 6 मेंबर तक का हम लोग साइक्लिक रिंग बना सकते हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को इसको समझने में, मैंने क्या बोला, आया कुछ समझ तुम लोगों को, नहीं yes, आया समझ, ठीक है आया। देखो ऐसा कुछ होता मेरे पास में, मान लो CH2 यहाँ पे क्या बेटा CH2 यहाँ पे क्या मेरे पास Cl है, इधर भी मेरे पास Cl है, इसको तुम लोगों ने क्या कर दिया बेटा Na से रिएक्शन करवाया होता, इनमें तो जैसे सब ड्राई था, थोड़ा Na से रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, इसमें यहाँ बनेगा CH2 रेडिकल, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ आएगा CH2 रेडिकल, जब रेडिकल बनेगा तुम लोगों को पता है कि यहाँ क्या होगा बेटा, रेडिकल रेडिकल आपस में क्या करते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं ना आसानी से, देखिए कि नहीं, तो यहाँ कितने मेंबर का रिंग बन जाएगा, 4 मेंबर का, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो क्योंकि यहाँ कौन सा वाला प्रोसेस हो गया बेटा, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, और तुम लोगों को बोले थे इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, करवाया था कि नहीं कराया था, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इज फास्टर देन, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इज फास्टर देन एनी इंटरमोलिकुलर प्रोसेस, ये पहले भी हम लोग बताए थे 2-3 बार तुमने बता चुके, याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, आसानी से रेडिकल्स आपस में एडिशन रिएक्शन दे देते हैं, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या करेगा, 4 मेंबर का रिंग बना लेगा आसानी से, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग 4 मेंबर का रिंग बना सकते हैं, 5 मेंबर का रिंग बन सकता है, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ होता, ठीक से समझना बेटा, मान लो ऐसा कुछ होता, मान लो मेरे पास में क्या है 6 मेंबर का रिंग है, मेरे पास में क्या 6 मेंबर का रिंग है, यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है, यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है, तुम लोग क्या किया होता है, इसको हीट कर दिया होता है Na की रिएक्शन, Na और है ना ड्राई करके बेंच में हीट कर दिया होता तो क्या बनेगा बेटा, देखो सबसे पहला तो तुम लोगों को दिखेगा कि यहाँ रेडिकल आता, यहाँ रेडिकल आता दिखेगा ना, ऐसा ही कुछ आएगा कि नहीं आएगा, जब रेडिकल आएगा तो बेटा प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोगों को, रेडिकल तो आपस में बेटा कंबाइन करा देंगे इनको, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा, जब कितने नंबर का रिंग बन गया, यहाँ कितने नंबर का रिंग बना ले, 1 2 3 4 नंबर का दो रिंग बना दिया इसने, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बनेगा, समझ आ रहा है, तो आप आसानी से रिएक्शन करा के ऐसा बना सकते हैं, समझ आ रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में, तो ये बेटा ये कौन सा वाला प्रोसेस है, ये इंट्रामोलिकुलर वुड्स है, अगर दो रेडिकल आएंगे तो वो क्या कर लेगा बेटा, रिंग बना लेगा आसानी से, खुद में ही इंट्रामोलिकुलर एडिशन दे देगा, हमें कॉपी करो और मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा तुम्हें बताना है उनमें क्या होगा क्या नहीं होगा, सर हो गया बेटा। यस सर, पहला क्वेश्चन लिखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेंड बाय द वुड्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा वाला वुड्स रिएक्शन से नहीं बन सकता,
क्योंकि द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द वो जो रिएक्शन which is the following product cannot be obtained by Voge reaction. इनमें से कौन सा लॉट Voge reaction से नहीं बन सकता है, बताओ जल्दी से. पहला वाला बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? एक कार्बन बेटा नहीं बन सकता Voge reaction से, अगर बनेगा तो कार्बन कैसा होगा बेटा? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, और अगर मिलेगा तो नहीं बन सकता ना, तो ये भी नहीं बन सकता बेटा. ये बन सकता है कि नहीं? इवन नंबर है, बन सकते. यहाँ कितना हो गया, एक दो तीन चार पांच, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बन सकता. ये बन सकता है कि नहीं बन सकता, पांचवा वाला? सर बन सकता, बन सकता. गायत्री बनेगा कि नहीं बन सकता है सर, बन सकता है. क्या कह रहे हो? यस सर बन सकता है, बन जाएगा, बन जाएगा सर. बट ये तो बन जाएगा ना, देखो ये बनेगा कैसे? तुम लोगों के पास में क्या होता है, छह मेंबर का ऐसा कुछ, ऐसा कुछ होता है. यहाँ रेडिकल होता और यहाँ रेडिकल होता, ये आपस में कंबाइन करके ये रिंग बना देता. और यहाँ सीएल रहा होता, यहाँ सीएल रहा होता, एनए से ट्रीट कर देते, क्या बन जाता था? रेडिकल बन जाता पहले. जैसे रेडिकल बनता, आपस में कंबाइन करके छह मेंबर का रिंग बना दिया. ये बन सकता है कि नहीं बन सकता बेटा? ये वाला बन सकता है, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल कंबाइन कर सकता है? यस सर. ये बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल कंबाइन कर सकता है. भाई सिमेट्रिकल है ना, जैसा इधर दिख रहा है ऐसा इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दोनों आइडेंटिकल ग्रुपिंग होना चाहिए. इवन नंबर हुआ कि नहीं हुआ चेन में? इवन नंबर दो है देखो चेन में. आठवां वाला बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? नहीं 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 बनेगा सर. ये नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही कार्बन नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता बेटा ये? क्योंकि आठ नंबर एक ही कार्बन, सिमेट्रिकल. दो होता तो बन जाता, तीन लिख दिए होते बीच में तो बन जाता क्या? ऐसा लिखे होते नहीं, नहीं बनता तीन के. ये बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? नहीं बनेगा सर. या कितना कार्बन बेटा? तीन. ये भी नहीं बन सकता. अगर मैं चार बना दूंगा तो बन जाएगा आसानी से? यस सर. ऐसा कुछ होता तो बनेगा कि नहीं? एक दो तीन चार, बन सकता है ना? बन सकता है. तो ध्यान रखना कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट वी को फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. Find the product of the following reactions. तो कुछ reactions मैं लिखूंगा, उनके तुम्हें product बताने हैं. Find the product of the following reactions. मतलब सबसे पहला reaction CH3Cl. हम लोग अगर Na के साथ में reaction करा दिए in the presence of ether. दूसरा बेटा, हम लोगों के पास ethyl है, यहाँ Cl लगा हुआ है, Na और ether के साथ में reaction. ठीक है सर. तीसरा reaction बेटा, हम लोगों के पास में क्या है? CH3Cl plus ETCl. इसका एक हम लोग Na और ether से कराएं. फोर्थ रिएक्शन लिखो बेटा, क्या होगा? Me3CbR. इसका रिएक्शन हम लोग Na और ether से कराएं. मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं बेटा, इनके तुम्हें प्रोडक्ट बताने हैं.
ये करना बेटा, 10 रिएक्शन लिख दिए, बहुत है, करो इनको। मिल गया बेटा प्रोडक्ट, क्या क्या बना? पहले में CH3CH3, दूसरे में थाइलिन एथाइलिन, तीसरे में CH3 एथाइलिन। चलो बेटा एक दो और लिख देता हूँ, उनके ही बताना था ना। ओके सर। ऐसा लिखो, अगर हम लोगों के पास 11 में लिखो R या CH या दो CL लगा हुआ है, इसको लोग जिंक के रिएक्शन में या AG के रिएक्शन में ट्रीट कर दिए होते तो। अच्छा, ऐसा रिएक्शन मैंने करवाया तुम्हें अगर याद हो तो, है ना? ऐसा लिखा हो तो R C 3 CL लगा हुआ है यहाँ पे, इस करेक्शन करवाया हो तो ज्यादा और AG की रिएक्शन में। 13वां रिएक्शन लिखो, ऐसा लिखा होता हमारे पास एच सी या 3 आयोडीन है, इसका रिएक्शन कराया तो जडन की प्रियंस में। 0 हम लोग बेटा ये सोडियम ही यूज करेंगे बेटा, कोई और भी मेटल हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे 2 आयोडीन लगे, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर हम लोग इसको कॉपर की प्रियंस में हीट कर दिया तो? मेटल्स पर तो सभी का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रहता है कि नहीं रहता? डोनेट करके रेडिकल क्रिएट तो करा ही देगा, वो रेडिकल क्रिएट करा देगा तो रेडिकल वाला रिएक्शन भी हो जाएगा, इनके प्रोडक्ट्स पता हो आपको। मतलब बेटा पहले वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? CH3 CH3 सब लोगों ने बना लिया होगा? यस सर। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा ही बनेगा ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। दूसरे रिएक्शन में क्या बनेगा बेटा? ईथी सिंगल बॉन्ड ईथी बनेगा। यस सर, है ना? यस सर। ये इथाइल मिथाइल दोनों है, देखो एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है कि पहले यही डाइमराइज करा जाता पर जाता तो CH3 CH3 बन सकता है। CH3 CH3 प्लस ईटी बन सकता है, ईटी और एक बनेगा बेटा MeET। MeET आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। इसमें क्या होगा बेटा? CH देखो यहाँ रेडिकल कौन सा बना बनेगा, ये बनेगा C, यहाँ होगा CH3, यहाँ होगा CH3, यहाँ होगा CH3। 3 डिग्री रेडिकल है बेटा, SN2 रेडिकल जो होगा वो कौन सा रिएक्शन देगा? SN2 देगा। एक पॉसिबिलिटी तो प्रोडक्ट बनने का ये है कि कराने बेटा डाइमराइजेशन करा दे। अगर तुम लोगों को याद हो जब रेडिकल तुम लोगों को पढ़ाया था तो बता दो 3 डिग्री में क्या होता है बेटा, ये बताओ कुछ याद है तुम लोगों का? अच्छा कुछ पढ़ाए थे इसको? नहीं पढ़ाए थे। यहाँ पर हम लोगों के पास 3H होगा, हाँ 3 डिग्री का केस में बेटा क्या क्या टेंडेंसी ज्यादा रहता है? इनके आपस में ऐड होने का कि एलिमिनेशन का?
एल्कीन बनने का टेंडेंसी ज्यादा रहता है, तो ज्यादा तुम लोगों को आया ना, बताया था कि अगर 1 डिग्री और हम लोगों के पास 1 डिग्री है तो क्या देगा बेटा, आसानी से डाइमराइज कर जाता है वो। यस सर। क्या करेगा बेटा? डाइमराइज करेगा। डाइमराइज। यस सर। और अगर हम लोगों के पास 3 डिग्री है तो बेटा क्या करेगा, यहाँ से एच ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से उठोगा और एच रेडिकल निकल के क्या बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और जो एल्कीन बनता है दैट इज ऑलवेज अ मेजर प्रोडक्ट, और जो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा होता है बेटा, वो माइनर प्रोडक्ट होता है। बेटा एडिशन ना होकर यहाँ पे क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो गया है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एलिमिनेशन, एच बी आर का एलिमिनेशन होके एलिमिनेशन प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है अगर हम लोगों के पास 3 डिग्री है तो। ये कॉपी कर ले बेटा, इसमें बताओ नीचे वाले में क्या होगा, इसमें क्या बनेगा नेक्स्ट रिएक्शन में, तो देखो ऐसा कुछ बनेगा ना, यहाँ रेडिकल आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब एक ही रेडिकल आएगा तो बेटा इट हैज टेंडेंसी टू क्या करने का, डाइमराइज। यस सर। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें अगर एनए से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ पे आएगा और एक रेडिकल यहाँ पे, इंटर मॉलिकुलर होगा कि इंट्रा मॉलिकुलर, इंटर, अब क्या होगा, इंट्रा इंट्रा, ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। यस सर। दोनों रेडिकल बेटा आपस में कॉम्बिनेशन कर लेंगे ना ऐसा कुछ। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। इसमें बताओ इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ तुम लोगों से बनेगा ऐसा कुछ, देखो यहाँ पे आएगा रेडिकल, ये डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बना दो बेटा क्या करेगा, देखो एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा पार्शियली, और ये वाला बॉन्ड यहाँ, एक रेडिकल इधर आएगा एक रेडिकल आएगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करा के कितने मेंबर करेंगे बनाएंगे बेटा, 6 मेंबर करेंगे, और यहाँ पे आएगा एक, इस पे आएगा रेडिकल, यही फाइनल प्रोडक्ट होगा, नहीं रेडिकल पर रेडिकल आया तो फिर से क्या करेगा बेटा, ये डाइमराइज कर जाएगा, डाइमराइज करेगा, और डाइमराइज करके ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा फाइनल। ये सभी को समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन में एजुटेशन तुम लोगों को कराया हूँ पहले, ये रेडिकल का तुम लोगों से बोला था, yes, ये रेडिकल है तो इसका प्रोडक्ट बना के बताओ क्या बनो, yes, तुम लोगों को कुछ, yes, sir. या तो रेडिकल वाले रिएक्शन एक बार ठीक से पढ़ के आना, ठीक है थोड़ा पहले क्या होगा, इंट्रा मॉलिकुलर प्रोसेस, इंट्रा हुआ और इंट्रा का यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इंटर मॉलिकुलर एडिशन, इंटर मॉलिकुलर एडिशन। यस सर। इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ तो आसान है देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड आएगा, एक रेडिकल आएगा, तो आपस में कॉम्बिनेशन दे देंगे तो क्या बन जाएगा, चार मेंबर का रिंग बन, ये बनेगा ना, ये रिंग बना दे 2 मेंबर का, yes, दो मेंबर का रिंग थोड़ी बनता है बेटा, चार का रिंग बनेगा, इसमें क्या होगा PHCl, तो PHCl क्या होगा, PH सिंगल बॉन्ड PH डाइमराइज। यस सर। उस रिएक्शन का नाम याद है तुम्हें, इस रिएक्शन का एक वुड्स रिएक्शन था, एक वुड्स फिटिंग था, और एक फिर फिटिंग था, ये कौन सा होता है, बाइफिनाइल बनता है फिटिंग रिएक्शन, और अगर मैं आर ऐड कराऊंगा इस पे तो बेटा यहाँ क्या बनेगा, पीएच सिंगल बॉन्ड आर, ये कौन सा वाला होता है बेटा, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलते थे हम लोग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यस सर। है ना, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी सेम होगा। यस सर। यहाँ रेडिकल बनेगा दो, और रेडिकल क्या करेगा, डाइमराइज करेगा, तो आर सी एच डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डाइमराइज कराएगा। यस सर। यस सर। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, और ये भी डाइमराइज कराएंगे रेडिकल से बने। यस। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, एच सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड S, ये भी डाइमर करके प्रोडक्ट दे दिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी रेडिकल्स बनेंगे, यहाँ पे भी रेडिकल्स बनेंगे, तो क्या होगा, एक बाइफिनाइल ऐसा कुछ इधर, और ये किससे कनेक्ट हो जाएगा बेटा, डाइमर बना लेगा ना ऐसा कुछ। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ और पॉसिबिलिटी था क्या इसमें, नहीं सर, इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा, तो सिंपल रिएक्शन है बेटा, आसानी से हम लोग कर सकते हैं इनको, कॉपी कर लो।
हो गया सर। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस नेक्स्ट रिएक्शन लिखोगे कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बेटा, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग करते क्या है, आर सी ओ ओ एन ए लेते हैं, या फिर हम लोगों के पास में क्या होता है आर सी ओ के होता है, इसका हम लोग क्या कराते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करने में हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलता है, आर सिंगल बॉन्ड आर। ओके प्लस क्या होता है सीओ टू गैस निकल जाता है और एन ए प्रोडक्ट बनता है बेटा। Yes, क्या बनता है, आर सिंगल बॉन्ड आर बनता है, प्लस क्या निकल जाते हैं सीओ टू गैस निकल जाते हैं। वैसे बनने को तो वाटर वगैरह और भी प्रोडक्ट निकलेंगे ना, एच टू गैस निकलेगा और सीओ टू निकल जाता है, ऐसा कुछ रहता है, वो कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ये समझोगे आर सिंगल बॉन्ड आर बनता है, ऐसे ही होता ना कुछ। होता क्या है कि हम लोगों के पास में क्या होगा आर सी ओ ओ के मान लेते हैं, एन ए तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा आर सी ओ ओ माइनस में प्लस के प्लस में टूट जाता है के प्लस। यस सर। तो आर सी ओ ओ माइनस कैसा होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। ठीक है समझा रहा है क्या बोल रहा हूँ। यस सर। क्या होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। ठीक है, ये रिएक्शन जो चल रहा है ये कौन सा वाले प्रोसेस कहाँ चल रहा है, एनोड पे। एनोड। ये क्या करता है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसमें कन्वर्ट होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड रेडिकल प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, ये जो बॉन्ड है वो टूटता है पार्शियली दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ से क्या बनता है हम लोगों के पास में, एक तो बनता है आर रेडिकल और प्लस क्या निकल जाता है सीओ टू। जो आर रेडिकल बना वो क्या करता है बेटा, डाइमराइज कर जाता है, इट रिएक्ट विद इटसेल्फ और क्या बना लेता है आर सिंगल बॉन्ड आर। सिंपल सा रिएक्शन बनता है। और कैथोड पे क्या होता है बेटा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, हम लोगों के पास वाटर होगा, वाटर। ठीक है ना बेटा, क्या होगा टू मोल्स ऑफ वाटर गेंस टू इलेक्ट्रॉन्स तो गिव एच टू प्लस टू मोल्स ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन, ऐसा निकल जाता है बेटा। एच टू गैस कहाँ रिलीज होता है, तो ये रिएक्शन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये समझो कि हम लोगों के पास क्या बना आर सिंगल बॉन्ड आर बनता है। ठीक है, ठीक है सर। प्रोडक्ट लिखना है कि इससे कौन सा वाला एल्केन बनेगा, तो ये एल्केन हम लोगों को याद रखना है कि कौन सा वाला एल्केन का फॉर्मेशन हुआ, आर सिंगल बॉन्ड आर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये कॉपी करो पहले। देखो सिंपल सा रिएक्शन ऐसा रहता है कि हम लोगों के पास में क्या होगा, आर सी ओ ओ अगर के है या एन ए है, ये हटाएंगे, ये वाला पार्ट हटाएंगे और रेडिकल बनाएंगे। ये वाला पार्ट हटा के क्या करेंगे, रेडिकल बना लेंगे और रेडिकल का रिएक्शन जो सोचेंगे, whatever the radical reaction जो भी होगा वो reaction सोचेंगे फिर, जैसा भी इसका reaction होता है उसको सोच लेंगे करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके सर। यस सर। लिख दिया सर? यस सर लिख दिया। नहीं लिखे? लिख दिए सर। हो गया सर। लिखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। हम लोग क्या करेंगे इसमें, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, मैं केईएस लिख रहा हूँ उसके लिए, पहला रिएक्शन। दूसरा हम लोगों के पास ईटी है, सीओओएनए है, इसका अगर कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए तो क्या बनेगा, यहाँ बेटा सीओओके, यहाँ पे भी सीओओके, इसका हम लोग कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस कराए तो क्या बनेगा,
बताओ बेटा इनके प्रोडक्ट। क्या होने वाला पहले वाले रिएक्शन में इसमें बताओ? मिथाइल मिथाइल बड़ा कैसा बनेगा? एमी सिंगल बॉन्ड एमी, इसमें क्या बनेगा बड़ा? एटी सिंगल बॉन्ड एटी, समझ में आ रहा है कि नहीं? करना क्या तुम लोगों को बेटा, इसको हटाना है और यहाँ रेडिकल बनाना था। इसको हटाओगे रेडिकल बनेगा, इसमें क्या करोगे इसको हटाओगे यहाँ रेडिकल आएगा, इसको हटाओगे यहाँ रेडिकल आएगा। दो कार्बन का है बेटा, दो कार्बन से तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसको हटाओगे देखो, यहाँ रेडिकल बना दोगे, इसको हटा के यहाँ रेडिकल बना दोगे, क्या बनेगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए? इसके नीचे वाले रिएक्शन में क्या कर रहा हूँ देखिए सर, यहाँ पे क्या करोगे, इसको हटाओगे यहाँ रेडिकल आएगा, इसको हटाओगे यहाँ रेडिकल आएगा। रिमेंबर रिंग बड़ा कितने मेंबर का रिंग बन जाएगा? तीन मेंबर का। यस सर। इसमें क्या होगा, यहाँ से रेडिकल बनाओगे और यहाँ से रेडिकल, कितने मेंबर का? एक दो तीन चार पांच छह कार्बन का रिंग बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, समझ रहे हो ना? इसमें बताओ बेटा, यहाँ से हटाओगे यहाँ रेडिकल आएगा, यहाँ से हटाओगे यहाँ रेडिकल आएगा। अब देखो डबल बॉन्ड है तो इसको यहाँ तोड़ोगे और इसको यहाँ तोड़ोगे, इसको यहाँ तोड़ोगे बेटा तो एक बॉन्ड इधर आएगा और एक बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाएंगे, है ना? ऐसा कुछ बनेगा प्रोडक्ट। इसमें बताओ बेटा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा आठवें वाले में? इसमें क्या होगा, हम लोग बनाएंगे देखो, यहाँ से हटा के यहाँ रेडिकल आ जाएगा, यहाँ से हटा के यहाँ रेडिकल, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? यस सर। बेटा थोड़ा पढ़ लो, तुम लोग टेस्ट की तैयारी कर लो। टेस्ट तुम लोग ऑनलाइन कितने बजे होता है उधर, ये बताओ मुझे। तुम लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हो कि नहीं देते? अक्षिला के जो पोर्टल है उस पर नहीं देते टेस्ट सर? सब पोर्टल का तो टाइम कोई फिक्स है नहीं, 12 बजे 12 बजे होता है अभी तक तो, जितनी बार हुआ है। दिक्कत कर जाती है, आती है कभी नहीं आती। चलो तुम लोग पढ़ लो इसका, कितने बजे से टेस्ट?